नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्योंकि देश में चुनाव है, हम जनता की आवाज बनने निकले हैं और इसीलिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में तीन अलग अलग राज्यों में हम पहुंचेंगे, जिसमें झारखंड में हो रहे चुनाव, महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। इन तीनों राज्यों में जाकर जनता के क्या है मुद्दे, ये सवाल उठाएंगे। और शुरुआत झारखंड से, तालियों के साथ रांची की जनता का बहुत बहुत स्वागत। बहुत जोश है यहाँ पर लोगों में, वो अपने प्रश्न पूछेंगे, सामने नेता उनके हैं। देखिए, ये वो राज्य है जो 2000 में अलग होकर अलग राज्य बना, 24 साल का होने वाला है इसी नवंबर में। ऐसे में जो वादे किए गए थे कि बिहार से अलग होने के बाद, क्योंकि खनिज पदार्थ यहाँ ज्यादा है, तरक्की की राह पर बड़ी तेजी से झारखंड दौड़ेगा, क्या वो सपना पूरा हो पाया है? क्या यहाँ पे युवाओं को, बच्चों को शिक्षा की जो व्यवस्था है वो अच्छी ढंग से मिल रही है? पलायन का मुद्दा क्या लोगों को परेशान करता है? उद्योग क्या हो रहा है? ये सब सवाल आज पूछेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी तीखे सवाल होंगे। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं तमाम खास मेहमानों का जो हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, क्योंकि हमारे साथ दीपक प्रकाश है, सांसद राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजेश ठाकुर जी, एक्स प्रेसिडेंट झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए जरा। मनोज पांडे जी जो कि सीनियर प्रवक्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए बहुत बहुत। और मोहम्मद हसन अंसारी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है आजसू के। तो हमने इतना तो कर दिया है, इन दोनों को इधर कर दिया, इन दोनों को इधर कर दिया है, तो आप समझ लीजिए इंडिया गठबंधन के नेता इधर हैं और इधर एनडीए की तरफ से जो सीट शेयरिंग हुई है उसके नेता हैं। तो सबसे पहले तालियों के साथ, चूंकि आप लोगों की शुरुआत हुई है, तो बीजेपी से ही पहला प्रश्न करते हैं। आप कह रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन और कांग्रेस की जो सरकार है उसको इस बार यहां से हटा देंगे, ये जनता आपके लिए क्यों वोट करे? आपके पास 60 सेकंड है, जल्दी से बताइए। चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव राज्य के दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव अराजकता में जिस प्रकार से आज चौराहे पर खड़ा है, आज अराजकता के चौराहे पर खड़ा हुआ ये प्रदेश है, और इस अराजकता का अगर कोई दोषी है तो हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। आज नौजवान तरस रहा है, आज बेरोजगार तरस रहे हैं। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित पलायन किसी प्रदेश में हो रहा है तो उस प्रदेश का नाम झारखंड है। आज हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और हेमंत सोरेन जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, सत्ता पर काबिज होने के पहले उन्होंने कहा था कि एक साल में हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। ना नौकरी मिली ना बेरोजगारी भत्ता मिली, लेकिन ये जरूर है कि 23 तारीख को जब रिजल्ट मिलेगा तो झारखंड के नौजवान उनको बेरोजगार करेंगे। 23 को जब रिजल्ट निकलेगा, वो कह रहे हैं कि आपके लिए बाहरी का रास्ता उन्होंने तय कर दिया है, क्यों जनता आपको वोट करे? 60 सेकंड। सर्टिफिकेट मुझे भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट झारखंड की जनता से चाहिए। और झारखंड की जनता ने लोकसभा हो चाहे 2019 का विधानसभा हो, हमें सर्टिफिकेट दिया, हम पर विश्वास जताया। आज जो काम, लोकप्रिय काम ये सरकार कर रही है, पेट दर्द तो उससे हो रहा है, जो लोकप्रियता के शिखर पर पूरे देश में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी का बेटा, माटी पुत्र, उसने बेहतर काम करना शुरू किया तो बेवजह फंसा दो, ईडी सीबीआई शुरू हो गया, चुनाव आयोग का लिफाफा खुलने लगा, लेकिन उसके बावजूद एक आदिवासी का बेटा, माटी पुत्र ने काम अपना जारी रखा, 5 महीने जेल भी भेज दिया गया बेबुनियाद आरोप में, कोई आरोप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत आरोप में आप लोगों ने बंद रखा है, रिहा कीजिए। हमारा नेता फिर हमारे बीच है और पूरे लगन के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ झारखंड के लोगों की सेवा में। आप साथ में लड़ रहे हैं उनके, 60 सेकंड, क्यों आपके गठबंधन को लोग जिताए, क्यों मुख्यमंत्री बनाए? रघुबर दास थे ना 5 साल पहले, कौन सा चमत्कार हो गया, कौन सी तरक्की की यहाँ पर गाथा लिख दी गई? निश्चित तौर पर इससे पूर्व हम लोगों ने 2014 में गठबंधन की सरकार चलाई थी और उन 5 वर्षों में आपने देखा होगा कि इस राज्य विकास के राह पर अग्रसर था। हमने नियोजन नीति बनाया, हमने स्थायी नीति बनाया। यह सरकार
ये जो हेमंत सरकार पिछले 2019 के चुनाव से पहले ये जनता के झूठे वादे के साथ आया कि हम अपने आते ही सबसे पहले पहले कैबिनेट में हम ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लाएंगे 14% से बढ़ाकर 27% करेंगे। कहाँ गए? आज कितने कैबिनेट हो गए? स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। अभी इन्होंने कहा 5 लाख प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अब 5 बरस बीत गए, 5 बच्चे 25 लाख कहाँ नौकरी दिया इन्होंने? कहाँ नौकरी दी? आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया है वो भी एक बार पूछ लेना चाहिए। दीपक प्रकाश जी बहुत सारी बातें कहते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि 10 वर्षों में जो ये बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं वो घुसपैठ क्यों नहीं रुका? देश का गृह मंत्री अमित शाह हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और लगातार घुसपैठ जारी है, क्योंकि जब आप घुसपैठ रोक नहीं सकते तो घुसपैठ पर बात करने का आपको अधिकार नहीं है। जल्दी से सांसद जी, उसके बाद मैं प्रश्न लूंगा। दुर्भाग्य है, घुसपैठियों पर संकल्प पत्र में अच्छा खासा लंबा आपने लिखा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से हटाएंगे, क्या करेंगे? मैं इसे कहना चाहता हूँ कि मैं क्षेत्र घूम करके आया हूँ, वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, लव जिहाद किया जाता है, आदिवासी बहनों के साथ शादी रचाई जाती है और उसके बाद लैंड जिहाद किया जाता है, उन आदिवासी और मूलवासी की जमीनों पर काबिज होते हैं और उसके बाद हमारे आर्थिक संसाधन पर काबिज होते हैं और उसके बाद मूल सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। आपने जो पूछा उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। घुसपैठ सीमा सुरक्षा का मामला है, सीमा सुरक्षा भारत सरकार के गृह मंत्रालय। हमारी बात को समझिए, आज एसएसपी, आज कांग्रेस का लीडर सीएलपी का नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के सीएलपी के नेता जो आज जेल में आलमगीर आलम, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार थी समर्थक टाइम और सुरक्षा, इन्हीं के विधायक सवाल पूछे, 19 सवाल पूछे अनंत ओझा ने और उसका जवाब इन्होंने इनकी सरकार ने नहीं दिया। बात कीजिएगा। और मेरा प्रश्न ये है कि आपके ही सरकार में, आपके ही पार्टी में मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उसकी पत्नी सीता कोड़ा जो गीता कोड़ा है, वे आपके ही में पार्टी में शामिल हो जाते थे। आप किस तरह भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, किस तरह से अराजकता की बातें करते हैं, जवाब दीजिए। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ पर एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गया, क्यों बना ये भी सब जानते हैं। थोड़ा राजेश जी से पूछिए, क्योंकि यही कांग्रेसियों ने उनको भ्रष्टाचारी बनाने का काम। बताता हूँ, मधु कोड़ा जब सवाल हमसे पूछिए, सवाल हमसे पूछिए, मधु कोड़ा मधु तो खाए कांग्रेस में, ये बता बेचारा बेचारा, सवाल हमसे पूछिए, सवाल हमसे पूछिए, मधु कोड़ा को गोद में ये बैठाएंगे, इनसे जवाब पूछिएगा मधु पिताजी का नाम क्या है, कोई ना फूफा का नाम बताते हैं, सीधी बात क्यों नहीं करते, मधु कोड़ा आज आपके गोद में बैठा है, तमाम जो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारी है वो आपके गोद में है और भारतीय जनता पार्टी का नाम भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हो गया है। मैं जेएमएम और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आज एक मैं विडो महिला के लिए इतना गंदा शब्द उनके मंत्री के द्वारा बोला गया, जो कि आज हमें यहाँ कहने में भी शर्म लग रहा है, रिजेक्टेड माल बोला गया एक महिला के लिए एक मंत्री के द्वारा, और इस हेमंत सरकार उस मंत्री को आज तक कुछ नहीं बोले, ये पूरे झारखंड की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा आरोप है, इसका जवाब हम लोग जवाब दीजिए। और इन लोग से पूछे कि आज तक से नियोजन नीति क्यों नहीं बना? हम लोगों ने स्थानीयता की नीति विधानसभा से पास करके हम लोगों ने भेजा संसद को, चूंकि वो कानून बन जाए ताकि उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके और हम यहाँ स्थानीय लोगों की नियुक्ति कर पाए, लेकिन आज केंद्र की सरकार कुंडली मारे बैठी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो बोल रहे हैं कि मैंने विधानसभा से स्थानीय नीति का मसौदा पास करके केंद्र को भेजा है, तो ये एक लटकाने वाली टेंडेंसी है, ये चाहते हैं कि कहां ले जाए उसको, संविधान के 9th शेड्यूल में, जबकि एक मामूली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही कंप्लायंस हो सकता था। राज्य का, देश का पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने जो अपने नाम पर अपने हस्ताक्षर से खनिज संपदा का लीज लेने का काम किया। जवाब दीजिए। पहला राज्य, पहला मुख्यमंत्री, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। हाँ। जेल भेजने की बात करते हैं।
भले ही बलात्कारी को 20 बार पैरोल देके और चुनाव जीतने की कवायद करते हैं, भले ही इनके तमाम भ्रष्टाचारी इनके वॉशिंग मशीन में जब चल जाए तो एकदम सत्य हरिश्चंद्र हो गए। और जो नहीं गया हेमंत सोरेन सरीखा शेर दिल सोरेन, मुझे गर्व है कि हमारा नेता हेमंत सोरेन शेर दिल सोरेन है, वो लड़ता है और लड़के जीतता है, वो जज्बा है झारखंडियों में, ये झारखंडियों की ताकत है। हम लोगों ने लड़के अलग राज्य दिया है। क्वेश्चन किया गया कि सीता सोरेन को किस तरह से रिजेक्टेड माल कहा गया, सोचिए कितना शर्म की बात है। जी हाँ, हमने बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। उन्होंने पार्टी है, उन्होंने जो कहा है उसको पहले सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से ट्विटर, बिल्कुल वीडियो चलवाइए, अगर उसमें निकल गया, अगर उसमें निकल गया तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांग। गलत बयानी हो रही है, गलत बयानी हो रही है, जनता पार्टी के नेता को रिजेक्टेड मान। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो हेमंत सरकार बोल रही है, बालू के रेवेन्यू झारखंड में जीरो है, अब बालू पे लेकर अभी एक गरीब का घर नहीं बन पा रहा है, आवास नहीं बन पा रहा है, बालू को इन लोगों ने भ्रष्टाचार में डुबा दिया है, सारा ट्रैक्टर से जेसीबी से जितना भी बालू जाता है इसका थाना के थ्रू एसपी के थ्रू मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचता है, और हेमंत सोरेन बालू में भ्रष्टाचार किया है। बोले कि हेमंत सोरेन 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो आप 2100 क्या राज बेच के और देश बेच के दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है जो करती है। 15 लाख हमने कहा था कि राम मंदिर भव्य बनाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम किया। सब बालू बालू चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। अरे बालू बालू मिल रहा है, इनके चिल्लाने से नहीं होगा। पहले ये लोग मिल रहा है, पहले ये लोग बालू बेच रहे थे, अब जनता बेच रही है। तो ऐसी आज हमारे कॉलेज, यहाँ जितने भी कॉलेज हैं उसमें शिक्षा टीचर्स हैं ही नहीं, और जो भी शिक्षक हैं उनको कितने ही महीनों से पेमेंट नहीं मिला है। तो कॉलेजों की हालत, स्कूलों की हालत, टीचर्स नहीं है, टीचर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे चलेगा? देखिए भुगतान सभी शिक्षकों को मिल रहा है, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और जनता भी गलत बयानी कर रही है। शिक्षकों को वेतन नहीं, बालों से तेल निकालने वाले लोग हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे और हम किस बेसिस? जंगल राज है झारखंड में, जंगल राज है, मुझे झारखंड में जंगल राज, मुझे झारखंड में अखबार पढ़ना शुरू किया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार, अखबार नहीं पढ़ते थे। अगर कोई डाटा कहे तो मैं डाटा पेश कर सकता हूँ कि 2018 में कितना क्राइम होता था, 2024 में कितना हुआ है, ये कैसा जवाब हो? 2024 उनमें ज्यादा होता था, इसलिए हमारे में तेरी नहीं, नहीं, ज्यादा मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। भाई के प्रश्न का मैं स्पष्ट जवाब, रुके रुके, लॉ एंड ऑर्डर पे आप बोलिए, उसके बाद आ रही है। ये अपराध की बात करते हैं, इनके साथ ये नहीं कर रहे, जनता पूछ रही भाई है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछ गए तो हम बीजेपी से जुड़े हुए क्या? मैंने गलत सवाल पूछा क्या? मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, अगर मैंने जवाब दे रहा हूँ, एक दीपक प्रकाश जी से भी पूछ लीजिएगा, जवाब दे प्रदेश के शासन को लेकर उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि जिस पुलिस के कांधे पर लोग जवाब क्यों नहीं देने दे रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर, आप सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार थी, यहाँ आईपीएस ऑफिसर का मर्डर हुआ है, इस झारखंड में एक आईपीएस का मर्डर हुआ उस समय इसकी सरकार थी। खास करके झारखंड से जो ये राज्य के यूनिवर्सिटी उनसे रिसर्च कर रहे हैं उनके प्रति उदासीन रवैया क्यों है? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बहुत ज्यादा है यहाँ। चुनावी लॉलीपॉप आपको जो है अभी चुनाव से सिर्फ 2 महीना पहले क्यों याद आया कि आपको जनता को 1,000 रुपया देना है? इन लोगों ने जो वादे किए, स्मार्ट सिटी कहाँ बन गया जरा बता दीजिए, बुलेट ट्रेन कहाँ चल गया वो भी बता दीजिए, काला धन कि अभी जो परीक्षा हुआ सारा का सारा लीक हुआ, क्यों सर कहाँ बैठे हैं सरकार, क्यों लीक हो रहा है पेपर? 2 करोड़ नौकरियाँ मिल गई क्या? नहीं नहीं, जो छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उसके नीट में घोटाला हुआ उस पर भी कोई सवाल पूछ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। नींव को बर्बाद करने की कोशिश हुई है, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भी लीजिए कि नीट में क्या हुआ, क्यों पढ़ाई में देरी हो रही है। ये बड़ी अच्छी मैच फिक्सिंग है, देखिए मेरी माइक की आवाज, पूछे आप उन पे टाल दीजिए, इनसे पूछे आप पे टाल दे, इसलिए
मेरा सवाल आप सबसे है, मैं एज अ फर्स्ट टाइम स्टेट वोटर आप में से किसी को भी क्यों वोट दूं? मैं जेएमएम के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इनके एक विधायक सोनू जी ने कहा कि बिहारी को बोरा में डाल के बिहार भेज देंगे। मेरा भी नाम सोनू है। आपके 100 बांग्लादेशी जो आपके दामाद है उसके बदले एक बिहारी काफी है। सोनू ने सोनू के बयान पर आपसे सवाल पूछा, जवाब दीजिए। पहले क्या बिहारियों को बोरी में? इनसे बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माफी मांगे। अरे आप माफी मांगे, आपके नेता ने कहा है, इनका दामाद है, गठबंधन के नेता ने कहा है, बता रहे हैं, आपके गठबंधन के नेता ने कहा है, भाई भाई है, अरे भाई भाई, वाह 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 वाह। आप 4000 का बालू 12-12 हजार रूपए आप टर्बो में बेचवाइएगा, ये पैसा सिर्फ हेमंत सोरेन के घर जाना चाहिए या हम लोग के। और 2000 का फ्लैट आप 5000 में बेचिए। बालू से तेल निकालने का काम इस सरकार ने किया है। मेरा कहना मैडम, कल्पना सोरेन जी की पिछले पांच साल में 12 गुना संपत्ति बढ़ी। आदिवासी महिलाओं की संपत्ति कितनी गुनी बढ़ी? अभी अभी भाई साहब ने कल्पना सोरेन का नाम लिया, एक महिला, और मुझे लगता है कि समय का जब विपत्ति आती है परिवार पर तब उस महिला ने सीता सोरेन जी वो काबिल तारीफ है। मैं बता रहा हूँ, सीता सोरेन जी विपत्ति आपने दुनिया में जैसा पर पूछे, जैसा पर, जैसा अमित शाह का बेटा जैसा, उसका इनकम कैसे बढ़ गया बताइए आप, कैसे बढ़ गया 85,000 गुना, 85,000 गुना। मेरा सवाल ये है कि 5 साल के लिए हेमंत सोरेन को रोजगार दिया इस राज्य के युवाओं ने, इनको लगता है पता नहीं, रोजगार देने का मौका आया तो ये राजस्थान के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 150 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, सीएचओ का अभी नियुक्ति हुआ है, आप जाके देखिए लिस्ट को। तो यहाँ झारखंड का युवा क्या करेगा, रोएगा? इनके पास रोजगार की कोई नीति ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाहर से जो आए लोग हैं, यूपी, बिहार और उड़ीसा, बंगाल से लोगों को नियोजन में मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, जिसका हो गया। रोजगार पे बात होनी चाहिए, पलायन पे बात होनी चाहिए, विस्थापन पे बात होनी चाहिए। पलायन पर दो दो लाइन में चारों पार्टियां बताइए आपकी क्या नीति, आपसे शुरू कर रहे हैं आज। देखिए, विस्थापन के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सांसद माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया, और पार्लियामेंट में उठाने के बाद विधिवत तौर पर वो केंद्र सरकार से मिलकर के यहाँ पर व्यवस्थापन आयोग का गठन के लिए आदेश पारित करवाया, और राज्य के करीब करीब 9 जिला में व्यवस्थापन आयोग के गठन की संभावना है, जिसका मार्ग प्रशस्त करवाया। हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट घोषणा है कि पहले पुनर्वास, उसके बाद विस्थापन, उसके बाद विस्थापन। देखिए, सांसद महोदय बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मुझे वो फोटो याद आ गया जब ये विस्थापन को लेकर के हटिया में हल जोत रहे थे, हल में जोत कह रहे थे मेरा जमीन है, और जब इनकी सरकार बनी, रघुवर दास की सरकार, उन लोगों के लिए विधानसभा बना दिया, उन लोगों के लिए आवाज की सुविधा दिला देगा, वहाँ विधानसभा बना दिया, उन लोगों की आवाज दिलाने का काम। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने वोट देने का काम किया है, अब आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, आपकी क्या नीति का काम किया, पलायन कैसे रोकेंगे ये तो बताइए। नीति होगी नहीं, हमारी नीति है, हमने तमाम प्राइवेट उद्योगों को बाधित किया है। अरे आप किया ज्यादा विस्थापित के दोषी हैं, 70% हमने ये पलायन को रोकने के लिए हमने ये किया है, पूरी तरह से कांग्रेस दोषी है। यूपीए की ही सरकार थी जिसने जमीन का मुआवजा दर बढ़वाया और 4 गुना ज्यादा पैसे विस्थापितों को मिलने शुरू हुए, साथ ही ये जो जलेबी वाले हैं, विस्थापितों पर गोलियां चलवाने वाले, विस्थापितों का नरसंहार करने वाले भाजपा की सरकार, याद कीजिए। मैडम, 17 मार्च को जेपीसी का एग्जाम लिया, पीटी 2 मंथ में मेंस ले लिया, और इन्होंने कहा कि 8 अगस्त को रिजल्ट। जेपीसी का चेयरमैन चला गया, आज तक नियुक्ति नहीं हुआ, इन्होंने आज तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए क्यों नहीं हुआ, चूंकि वो धांधली हुआ, धांधली इस स्तर तक हुआ कि अगर जेपीएससी का चेयरमैन जेल चला गया, पहले वो पूछिए। इस सरकार में 17 बार प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। गलत, गलत। एक बार नहीं, 17 बार प्रश्न लीक हुए हैं। लीक कराई जाए सरकारी में भी, उसमें पूरी तरह से जब बीजेपी वाले से कुछ भी पूछा जाता है तो वो हिंदू मुस्लिम का क्यों बात करते हैं? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव में उतार रहे हैं, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आप फिर हिंदू मुस्लिम
ध्रुवीकरण चाहते हैं। कोई बांग्लादेशी घुसकर हमारे हिंदू समाज को माइनॉरिटी में करेगा, आदिवासी समाज को माइनॉरिटी में करेगा, तो खदेड़ करके उसको बांग्लादेश भेजने का हम काम करेंगे। ये सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। सवाल आज तक कहीं से खदेड़ा हो तो बताइए। बिल्कुल अंजना जी, ये झारखंड के हाई कोर्ट ने, राजेश जी, झारखंड के हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए, लेकिन इनकी सरकार ने एफिडेविट फाइल करते हुए इसको इनकार किया है। देखिए, सुनिए, अब सवाल सुनिए, देखिए एक सेकंड, प्लीज चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, ऐसे नहीं होगा। पांच साल संथाल परगना में जो आदिवासी पॉपुलेशन एक वक्त पर 40% से भी ऊपर था, वो अब 26% आ गया है। ये डेमोग्राफी चेंज है, ये नंबर्स दिख रहे हैं पेपर पे। बिल्कुल, ऐसे में कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल सरकार दोषी है, मैं बता रहा हूँ। पांच साल की सरकार, पांच साल के नेता, पांच साल डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने कितने बांग्लादेशियों को खदेड़ा, इन्हीं के विधायक 19 सवाल पूछे थे 19 बार अनंत ओझा ने, एक भी सवाल का जवाब राज्य सरकार की ओर से। अर्जुन मुंडा जी के समय अरुण मंडल जी ने भी सवाल उठाया था। कांग्रेस से गठबंधन से पूछना चाहता हूं, आप लोग बार बार सनातन को खत्म करना, शक्ति को खत्म करना, हिंदुत्व को खत्म करना, डेंगू है, मलेरिया है, मैं आपको क्यों वोट दूं? आप तो जिंदा और सलामत लग रहे हैं। तमाम जो साथी बैठे सनातन धर्म को मानने वाले ही हैं, हम भी हैं, क्या मरे हुए लोग हैं? आप जिंदा लोगों की तरह बात कीजिए, जिंदा लोगों की तरह बात कीजिए, घबराइए मत सर, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। मेरा सवाल सनातन धर्म की कांग्रेस कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से है, घबराइए मत, यहाँ भोनाथ सर, वहाँ से जोगी आएंगे, वहाँ से मोदी आएंगे, डराएंगे। मेरे यहाँ भोनाथपुर में 1320 मेगावाट का प्लांट का शिलान्यास किए थे हेमंत सोरेन, और शिलान्यास करके आज तक पावर प्लांट लगा ही नहीं, क्यों नहीं लगा? इस सवाल का जवाब कुछ सवाल लेता हूं मैं। 15 लाख रुपए कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? बुलेट ट्रेन कहाँ है? आप बताइए। ड्रग्स नशाखोरी में झारखंड में बहुत इजाफा, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और पेपर लीक, इन तीन सवालों पर छोटा सा जवाब। ये जो नशे का मामला है, ये पूरे देश में बढ़ा है, और इसका केंद्र बिंदु एपी सेंटर गुजरात का मुद्रा एयरपोर्ट, किसका जो बंदरगाह है, वो बंदरगाह किसका है पता करिए। वहाँ आता है कंटेनर में भर के, और वहाँ से पूरे देश में, पहले ऐसा नहीं होता था। जब से सरकार आई है तब से महिलाओं पर सबसे ज्यादा अनाचार की घटना पूरे देश में सबसे ज्यादा झारखंड में हुई है। झारखंड में 5662 महिलाओं के साथ अनाचार की घटना घटी है। देखिए, आदिवासी मूलवासी महिलाओं के साथ अनाचार की घटना घटी है, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई है, एक भी कार्रवाई नहीं हुई है, और इसका एक भी फास्ट ट्रैक के माध्यम से एक भी अपराधियों को सजा दिलाने का काम इनकी सरकार ने नहीं किया। ये जंगल राज है, राजेश जी, बहुत दुखद घटना होती है जब ये जंगल राज है। जंगल राज, एक प्रश्न था, जंगल राज है। अगस्त 2018 का फिगर देखिए और अगस्त 2024 का फिगर देखिए, आपको पता लग जाएगा। 30% अब ज्यादा हो रहा। बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में रांची से आज आपने शो देखा है, बारी झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर हम पहुंचेंगे महाराष्ट्र, जानने जनता के सवाल। देखते रहिए आज तक।